तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यह है हमारी पिछली वीडियो में बनाई गई स्लिंग शॉट बंदूक। देखो दोस्तों, मैंने जब इस स्लिंग शॉट गन को बनाना शुरू किया था तब मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसकी जैसी 6 ट्यूब लगाई जाएंगी। ये देखो, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो 6 ट्यूब हो जाएगी और उनको लगाया जाएगा इस ट्रिगर के ऊपर, जिससे इसकी जो पावर है, इस गन की पावर है, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब मैंने इसको तैयार किया और इसके ऊपर 6 ट्यूब लगाई भी थी, जब मैंने इसको खींचा तो ये खींची नहीं गई। तो तभी मुझे बार बार मैंने चेक भी किया तो एक ट्यूब के साथ ही ये स्लिंग शॉट तैयार हो पाई। लेकिन इस बार फिर से हम इस गन के ऊपर जो लगे प्रोजेक्ट हैं, ये ट्रिगर और ये आगे का पार्ट, इसे निकाल लेंगे और एक बार फिर से बनाई जाएगी गन। लेकिन वो सिंपल तरीका होगा जिसका नाम है स्टिक स्लिंग शॉट गन, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई, स्टिक स्लिंग शॉट गन तैयार करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 1 इंच मोटी लोहे की पैप। ये 4 फुट लंबी है और इसके ऊपर बनाई जाएगी स्टिक स्लिंग शॉट गन। तो भाई, ये जो स्टिक स्लिंग शॉट गन तैयार होने वाली है, इसे बहुत आसान तरीके से बनाया जाएगा। पार्ट वही बंदूक वाले पार्ट हैं जो निकाल लिए जाएंगे और ऐसे तैयार की जाएगी। ये वो लोहे की पैप हो गई और यहाँ पर हो गया वो ट्रिगर और यहाँ पर हो गया आगे का पार्ट। इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो आगे का पार्ट है ये मूव करेगा। पहले यहाँ ट्रिगर के ऊपर हम किसी चीज़ को भी ज्वाइंट कर लेंगे, यानी कि जो लेदर पेड है जो ट्यूब के साथ जुड़ी होगी, पहले हम उसे लगा लेंगे, फिर पैर के जरिए दबाकर इस ट्यूब को टाइट करेंगे। ये आसान तरीका हो सकता है और इसके ज़रिए हम 6-5 ही हैं जो 6 ट्यूब हैं उनको हम चला सकेंगे। उसकी जो पावर है काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो वो तब देखी जाएगी जब स्लिंग शॉट तैयार होगी। तो बस अब मैंने आपको बता दिया कि भाई, ये 6 ट्यूब वाली स्लिंग शॉट, स्टिक स्लिंग शॉट गन आज इस वीडियो में तैयार होने वाली है। तो भाई बहुत आसान तरीका है, तो टाइम निकाल कर पूरी वीडियो को देख लेना। रुको दोस्तों, एक चीज़ बतानी भूल गया। तो भाई, स्लिंग शॉट तैयार करने के लिए लेदर पेड भी एक खास पार्ट है। तो एक पतली लेदर पेड आती है, वो 6 ट्यूब का जो पावर है उसको सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए ये देखो, ये मोटी लेदर पेड है, हम इसका यूज़ करेंगे स्लिंग शॉट तैयार करने के लिए। तो चलो अब जल्दी से स्लिंग शॉट तैयार करते हैं।
फाइनली दोस्तों कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी जो सिंपल डिज़ाइन स्टिक स्लिंग शॉट गन है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखो भाई, इस पर मैंने 6 ट्यूब लगा दिए हैं और ये काफ़ी पावरफुल होने वाली है। तो इसका घोड़ा आपने देखा ही है, जब मैंने इसे तैयार किया तो ये ऐसे काम करता है। ये देखो लग गया। इसे मैंने 3 सुराख कर दिए यहाँ पर, तो इसे हम जहाँ पर लगाना चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं तो इसे यहाँ पर ही चलाऊँगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे नीचे रखते हैं तो ये घोड़ा नीचे लग जाएगा और हाथ को खतरा हो सकता है। ये बैक ही मुड़ आएगी, जब घोड़ा निकल गया तो ये पीछे की तरफ आ जाएगी, इसलिए इसे इसी सुराख में रखा जाएगा। तो चलो भाई, अब इसके साथ हम निशाने लगाने वाले हैं। निशाने लगाने के लिए मैं ये कांच का घोड़ा यूज़ करने वाला हूँ। निशाने लगाए जाएंगे इस फाइबर की चादर के ऊपर। ये वो चादर है जो घर के दरवाज़ों में यूज़ होती है, एल्युमिनियम के जो दरवाजे बनाए जाते हैं ना उसमें यूज़ होती है। तो इसके ऊपर हमने पहले भी निशाने लगाए थे, जो हमने बंदूक बनाई थी स्लिंग शॉट बंदूक, उसके साथ हमने 2 शूट किए थे यहाँ पर, यहाँ पर होल हुए हैं। तो अभी इस पर फिर से हम निशाने लगाने वाले, हमारा यही टारगेट है, 3-4 शॉट हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलो, अब देर किस बात की, अब बारी है निशाने लगाने की, तो निशाने लगाते हैं।
तो भाई अब बारी है निशाने लगाने की, और टारगेट से जो हमारी दूरी है वो 30 फुट है। तो चलो इसे चलाने के लिए रेडी करते हैं। रेडी करने के लिए पहले हमें टेबल पर बैठना पड़ेगा और इसे हम लेकर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे ट्रिगर लगाना इसका आसान हो जाता है। ये है कांच का बंटा और इसे यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, अभी इसका अभी हमने बंटा लगा दिया है, तो अब लगाना है ट्रिगर। यस, तो ये देखो भाई, अभी एक काम रह गया। मैंने एक पिन बनाई है, इसके साथ जो खतरा है वो कम हो जाएगा। कई बार ऐसा ना कि ऐसे कई बार ट्रिगर नीचे लग गया और ये बैक आ जाएगी, हाथ को खतरा हो सकता है। हाथ डैमेज होने से बचाने के लिए इस पिन को लगाया जाएगा यहाँ पर। भाई नज़दीक आ जा, ये देखो यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ से हम इसे पकड़ सकते हैं, अब कैरी है। तो चलो भैया, अब हम पहला निशाना लगाते हैं। ओके, ये भी थोड़ी सी तानु कर, तानु मने तानु। तो भाई अभी पहला निशाना मिस हो चुका है, तो थोड़ी सी दूरी हम कम कर देते हैं, यहाँ से निशाना लगाएंगे। अब तीसरा निशाना चूकना नहीं चाहिए, तो चलो कोशिश करते हैं। तो भाई अब दूरी और कम कर दी गई है, तो चलो अब पास से ही निशाना लगा के देखते हैं क्या लगेगा। मोनो लगा पास फिर। अभी हमने 3-4 निशाने लगा कर देख लिए इस गन के साथ, तो निशाना लगाना इसके साथ काफ़ी मुश्किल है। तो निशाना लगाने के मामले में ये सक्सेस नहीं है। तो अभी इसके साथ एक काम किया जा सकता है, ये वाला या, या। ये निशाना ठीक है। इस वीडियो का ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखो।